नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन नोमड आरपी में। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन करने। बहुत ही फेमस मंदिर है, पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत ही श्रद्धालु आते हैं पूरे इंडिया से, बाहर से भी आते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करवाऊँगा आज। और वो मंदिर क्यों फेमस है, क्यों पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, तो मैं आज आपको पूरी सारी चीज़ें ये कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो हम आज पूरे मंदिर विजिट करेंगे और खाटू श्याम जी का दर्शन करेंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको रिंगस। अभी पहले सबसे पहले हम रिंगस जाएंगे। रिंगस करीब जयपुर से 70 से 75 किलोमीटर दूर है। तो रिंगस में जाने के बाद हम वहाँ से पैदल जाने वाले हैं खाटू श्याम जी के। तो आपको रिंगस ही मिलते हैं। गाइस, हम रिंगस पहुँच चुके हैं और रिंगस से अभी हम पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। और देख सकते हैं यहीं से माहौल बना हुआ है बिल्कुल बाबा के दर्शन करने के लिए। झंडे वगैरह सब लेते हैं यहाँ से। और अब रिंगस से करीब 17-18 किलोमीटर है, तो यहाँ से हम पैदल ही जाने वाले हैं। 2-3 घंटे लगेंगे कम से कम। तो अभी चलते हैं, जयकारा लगाते हुए, डांस करते हुए, रास्ते का आनंद लेते हुए और भी श्रद्धालुओं के साथ। चलिए, आपको मैं रास्ते का बहुत ही अच्छा जो माहौल है बाबा के दर्शन करने के लिए, जो लोग जा रहे हैं, मैं रास्ते का पूरा कवर करते हुए जाऊंगा और आपको दिखाते हुए जाऊंगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी जाने के लिए ट्रेन और बस सर्विस पूरे इंडिया से कनेक्टेड है। आप पूरे इंडिया से कहीं से भी आप खाटू श्याम जी रिंगस पहुंच सकते हैं और वहां से बस या पैदल जा सकते हैं खाटू श्याम जी तक। जो लोग अपने पर्सनल गाड़ी से आते हैं उनके लिए मैं बता दूं, पार्किंग की या थोड़ा ट्रैफिक में फंसने की दिक्कत हो सकती है, बट खाटू श्याम जी ट्रस्ट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने स्टार्ट कर दी है। वहां आप इजीली पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ियों को, बस थोड़ा ट्रैफिक का आपको सामना करना पड़ेगा और फिर आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। मोस्टली जो श्रद्धालु है अपनी अपनी गाड़ियों से, बस से, ट्रेन से रिंगस तक आते हैं और रिंगस से पैदल जाते हैं। 18-19 किलोमीटर का सफर श्याम जी के जयकारे लगाते हुए कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमने भी सोचा रिंगस से पैदल जाने का, तो हम निकल गए रिंगस से पैदल खाटू श्याम जी के दर्शन करने। अब थोड़ी देर में जो खाटू श्याम जी का जो मेन गेट है, मेन गेट के पास पहुंचने वाला है। ये रहा मेन गेट। और ये मेन गेट के पास जाने के बाद हम जाएंगे फाइनली बाबा के दर्शन करने। और अगर मैं बात करूं होटल्स की, वहां स्टे की, तो आप रिंगस से खाटू श्याम जी के जाते हैं, रिंगस में भी बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको चीप रेट में मिल जाएंगे। और रिंगस से खाटू श्याम जी जब जाते हैं उस वाले रोड पे भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। तो गाइस, जाने का और स्टे का मैंने आपको बता दिया, अब बात आती है कब जाएं। वैसे तो 12 महीने भीड़ लगी रहती है यहाँ और 12 महीने श्रद्धालु आते रहते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। और जैसा कि मार्च के अंदर पूरे साल का सबसे बड़ा मेला होता है खाटू श्याम जी के, होली के टाइम पे, तो मार्च के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप दर्शन करना चाहते हैं, तो आप मार्च के बाद ही आइए, तब आपके इजीली दर्शन हो जाएंगे और ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी। बोलो खाटू नरेश की जय। तो दोस्तों, हम फाइनली आ चुके हैं और मैं हूँ अभी जो मेन गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं, मेन गेट के पास में हूँ। दोस्तों, आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अपने सारे जो व्यक्तिगत टेंशन है, काम की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, आने वाले कल की टेंशन, करियर की टेंशन, शादी की टेंशन, ये सारे संसारिक मोह माया एक दिन के लिए आप दूर करके आइए और एक दिन के लिए ये सब भूल जाइए। बाबा श्याम जी आपके यहाँ आने से ही सारे टेंशन दूर कर देते हैं। और जितने भी लोग आते हैं यहाँ शाम रंग में रंग जाते हैं और यहाँ ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए आते हैं, पूरे रास्ते नाचते गाते हुए आते हैं। कई लोग मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वो दंडवत करते हुए भी आते हैं। तो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो सारे टेंशन को भूल कर, सारे टेंशन को दिमाग से निकाल कर आइए और यहाँ दर्शन कीजिए और आप पर बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, इधर से अब हम जाने वाले हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने मंदिर की तरफ। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है दर्शन करने, अभी लाइन में लगना पड़ेगा। और ये मेन गेट है, आप कभी भी आएंगे सबसे पहले ये मेन गेट पड़ेगा जहाँ पे लोग फोटो खिंचाते हैं और यहीं से श्याम बाबा की दर्शन की शुरुआत होती है। तो बोलो खाटू नरेश की जय।
खाटू श्याम जी मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं। इस मंदिर में एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उन्हें श्याम बाबा का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। तो आखिरकार बर्बरिक कैसे बने खाटू श्याम जी? महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि मैं युद्ध में किसका साथ दूँ। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी है, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरे शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से खींचकर अमर कर दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ और ना ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर अस्तित्व में आया। दर्शन करने के लिए आपको इस लंबे रेलिंग से होकर गुजरना होता है और हम यहाँ 1 घंटे तक रेलिंग में सफर करते हुए फिर फाइनली पहुँचे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के पास में। और हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, आप मार्केट में कुछ भी सामान खरीद सकते हैं जो भी आपको खरीदना हो। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वो सारी जानकारी मिल गई होंगी जो आपके लिए सुविधाजनक थी, जो आपको जाननी थी, कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी इस वीडियो में। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।